Assalamualaikum, मेरा नाम है जहांसे भाषवी और यह है चंगन एल्फिन कंफर्ट 2022 मॉडल। यह एल्फिन का कंफर्ट 1.5 ऑटोमेटिक वेरिएंट है और इस गाड़ी में टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, कंफर्ट मैनुअल, कंफर्ट ऑटोमेटिक और लुमियर। लुमियर इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन होता है और इस गाड़ी में दो इंजन साइज ऑफर होते हैं, 1300cc और 1500cc। यह इस गाड़ी का 1500cc वेरिएंट है लेकिन ये टॉप ऑफ लाइन से थोड़ा सा नीचे है। इस तरह से केस में वो वाले फीचर्स नहीं आते जो कि लुमियर में आते हैं, जैसे कि सनरूफ हो गया, इको आइडलिंग हो गया और भी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो चीज़ें इस गाड़ी में नहीं आती। लेकिन ये गाड़ी भी काफ़ी लोडेड है। ये कार एक सेडान है यानी डिगी वाली गाड़ी और पाकिस्तान में इस गाड़ी का कंपटीशन जो बनता है वो है सिटी और टोयोटा यारिस। क्रोला वगैरह इसलिए कंपटीशन नहीं बनती क्योंकि वो साइज में इससे बड़ी होती हैं और इंजन भी इससे बड़े आते हैं। इस गाड़ी की प्राइस 3199 है। इस गाड़ी का जो बेसिक वेरियंट है उसकी प्राइस 2944 है और इस गाड़ी का जो टॉप ऑफ लाइन वर्जन है यानी लुमियर उसकी प्राइस 3394 है। बाकी पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये चंगन एल्फिन कंफर्ट का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है और इस गाड़ी में एक अच्छी चीज़ ये है कि बेशक आप लुमियर लें, कम्फर्ट लें या बिल्कुल बेसिक लें, इन सब गाड़ियों में एक्सटीरियर बिल्कुल सेम ही आता है। इन सारी कार्स में लॉरेंस स्टैंडर्ड हैं, प्रोजेक्शन लैंप स्टैंडर्ड हैं, साइड मिरर भी इंडिकेटर वाले आते हैं और कोई खास फर्क नहीं है सिवाय सनरूफ के। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार है। इसके फ्रंट पे ये बटरफ्लाई ग्रिल दी गई है और इसमें क्रोम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है जो कि इस गाड़ी के लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो एक चीज़ बेहतर हो सकती थी वो है इसकी हेडलाइट्स। हेडलाइट इस गाड़ी की हेलोजन लैंप के साथ आती हैं, अगर ये बायज़ोनल वाली होती तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो जाता, लेकिन आप लेके आफ्टर मार्केट इसमें लगवा सकते हैं और इसकी लुक काफ़ी बेहतर हो जाती है। बाकी इसमें ये जो DRL दी गई हैं, अगर आप हेडलाइट्स ऑफ करेंगे ये तब ऑन होती हैं। इसमें फ्रंट पे फॉग नहीं आती, सिर्फ बैक पे आती है। बाकी इस गाड़ी की बटरफ्लाई ग्रिल जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही है और सेंटर में ये चंगान का लोगो दिया गया है। फ्रंट पे इसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं आते, जस्ट बैक पे ही आते हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी मेरी ओपिनियन में इसकी मददगार है। इस तरह से कि इसमें रेक्टल लाइंस काफ़ी अच्छी दी गई हैं। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेक्टल लाइंस हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रियर फेंडर तक जाती हैं और ये रेक्टल लाइंस मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। नीचे वाली रेक्टल लाइंस इसकी बॉडी से बाहर आ रही हैं बट इसके टायर्स की लुक अच्छी है तो ये कंपनसेट हो जाती हैं। इसमें कोई साइड स्कर्ट्स वगैरह नहीं है लेकिन स्टिल इट्स ओके। अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के अच्छे हैं। ये रिट्रैक्टेबल नहीं है और ना ही ये हीटेड हैं। हीटेड साइड मिरर सिर्फ लुमियर के अंदर आते होते हैं लेकिन रिट्रैक्टेबल वो भी नहीं होते। बाकी एडजस्टेबल हैं, इनको आप गाड़ी के अंदर से बैठ कर एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड आपको इनको हाथ से ही करना पड़ेगा। इनमें इंडिकेटर दिए गए हैं और इसकी लुक मेरे ख्याल से ठीक है, ये डुअल कॉम्बिनेशन में है। बाकी इस गाड़ी पर क्रोम अच्छा खासा यूज़ किया गया है विंडोज़ के आसपास, एयर प्रेस गाड़ी में नहीं आते। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो रेयर भी फ्रंट की तरह काफ़ी अग्रेसिव है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट्स दिए गए हैं और इसमें बैक पर रेयर फॉग भी आती है जो कि सिटी और यार्स वगैरह में नहीं आती। इसकी टेल लाइट में यहाँ पर रेयर फॉग दी गई है और उसके अलावा इसकी टेल लाइट में ये हैलोजन बल्ब आते हैं इंडिकेटर, रिवर्स और ब्रेक दोनों तीनों के लिए। अगर मेरे ख्याल से LED वाले होते तो अच्छी बात थी बट इसमें LED नहीं दी गई, ये हैलोजन वाले हैं। बाकी इसका बैक नॉर्मल सही है, इसमें बम्पर में रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं और इसमें पार्किंग सेंसर आते हैं जो कि सिटी और यारिस दोनों ऑफर नहीं करती। बाकी बैक पे इसमें ये बैक कैमरा आता है और इसकी ट्रंक अनलॉक करने के लिए दो तरीके हैं, एक कैबिन के अंदर से और एक की फॉब से। इसमें यहाँ पे कोई बटन नहीं आता ट्रंक अनलॉक करने के लिए, की फॉब पे दिए गए बटन को दो दफ़ा दबाएंगे तो इसकी ट्रंक अनलॉक हो जाएगी लाइक दिस। और ये इसकी ट्रंक कैपेसिटी जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है और इसमें रियर बेंचेस जो हैं ये फोल्डेबल नहीं है, ये फिक्स्ड ही हैं। और इसके अलावा इस नीचे दिए मैट को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टोल गेट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी में चपनी आती है, ये नॉर्मल टायर नहीं है, ये काफ़ी छोटा सा है। बाकी इसकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन दी गई है जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात है और होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी वार्निंग दी गई है कि मैक्सिमम स्पीड स्पेयर टायर के साथ 80 km/h है, इससे ऊपर लेके जाएंगे और टायर फट जाए तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी यहाँ पे इसके एक ब्रेक लैंप आता है बैक पे और उसके ऊपर एक शार्पिंग एंटीना भी दिया गया है। बाकी इसके अगर बात की जाए रेड लुक की तो इसकी लुक मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेक्टल लाइंस दी गई हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये एल्फिन का इंटीरियर है जो कि कंपैरेटिवली सिटी से थोड़ा कम लोडेड है लेकिन यारिस से ये इंटीरियर मेरे ख्याल से बेहतर है। इस तरह से कि इसके कट्स एंड कर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, इसमें लेदर काफ़ी मज़े का यूज़ किया गया है, प्योर वाइट। इसकी लुक तो अच्छी आती है लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिन पर मैं अभी आता हूँ आगे। अगर बात की जाए गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इसका मेरे ख्याल से इन तीनों गाड़ियों में यानी यारिस, सिटी और एल्फिन में ये स्टीयरिंग व्हील सबसे ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से कि एक तो ये बॉटम कट है यानी डी शेप में है, बाकी इसकी लुक भी मेरे ख्याल से अच्छी है। ये इस गाड़ी का क्योंकि कंफर्ट वेरिएंट है तो इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता। स्टीयरिंग के लेफ्ट स्पोक पे इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, राइट स्पोक पे इसके अगेन कॉल अटेंड डिक्लाइन करने के और ट्रैक आगे पीछे करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी का जो बड़ा वेरिएंट है उसमें यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आता है जो कि इसमें ऑब्वियसली नहीं दिया गया।
इस गाड़ी में टोटल दो एयरबैग्स आते हैं, एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। बाकी इस गाड़ी के जो इंटीरियर की लुक है ये तो अच्छी है, लेकिन इसके मटेरियल मोस्टली प्लास्टिक के हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका काफ़ी सिंपल सा है। इसमें एक ही मेन डायल दिया गया है जो कि स्पीडोमीटर है, और इसकी स्पीड लिमिट 200 तक है। राइट पे इसके की स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी का ऑडोमीटर, ट्रिप्स, इस तरह की चीज़ें शो करवाती है। और इसमें TPM नहीं आता, जो इस गाड़ी का बड़ा वेरियंट है उसमें TPM भी आता होता है। बाकी लेफ्ट पे यहाँ पे स्कॉर्पियन दिया गया है जो कि डिजिटल है। ये अगर मेरे ख्याल से एनालॉग होता तो बेहतर लगता। इसके बारे में बात की जाए इसके डैशबोर्ड की लुक्स की, तो लुक्स मेरे ख्याल से इसकी काफ़ी मज़ेदार हैं। इसमें डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं और इसकी लुक्स भी अच्छी हैं, लेकिन इसकी जो फिनिश है मोस्टली ये चीप प्लास्टिक है। इसी तरह डोर पैनल्स भी, इनका मेजोरिटी एरिया चीप प्लास्टिक है, जो कि मेरे ख्याल से अगर कोई अच्छे मटेरियल होते तो बेहतर लगते हैं। बट इट्स ओके, क्योंकि ये गाड़ी कोई इतनी महंगी नहीं है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि काफ़ी छोटा सा है। ये मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बड़ा होता तो बेहतर लगता। बाकी ये काफ़ी बेसिक सा है, इसमें मल्टीमीडिया सिस्टम आता है और उसके अलावा आप इसके साथ अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ आती है इसमें। बाकी कार सेटिंग वगैरह इसकी यहाँ पे शो होती हैं, ये बेसिक स्टफ है सारा इसमें। इसकी जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसका क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे शो होता है, आप जैसे ही फ़ैन ऑन ऑफ करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। तो ये कनेक्टेड है सिटी और यारिस, इन दोनों गाड़ियों का मल्टीमीडिया सिस्टम गाड़ी के कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं होता, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। एयरवेंट्स गाड़ी में टोटल चार ही आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में। सिटी में 6 आते हैं, बैक पे भी आते हैं 2, इसमें वो नहीं दिए गए। बाकी इसकी डैशबोर्ड की लुक्स मेरे ख्याल से अच्छी हैं। बीच में ये वॉल्यूम बटन दिया गया है मल्टीमीडिया सिस्टम का, यहाँ से इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये इसके डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं और उसके नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का सिंगल जोन है और इसकी लुक तो मेरे ख्याल से अच्छी है, लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, इसमें एक डेडिकेटेड ऑफ का बटन नहीं दिया गया। इसकी फैन स्पीड को आप कम करते करते एंड तक ले जाएंगे तो ये ऑफ होगा। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे स्टोरेज पॉकेट दी गई है और इसमें एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी आता है और यहाँ पे USB इनपुट भी दिया गया है। यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, इसमें कोई वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं आता। और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है। इस गाड़ी में जो गियर सिलेक्शन है वो है PR&D और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो डिफरेंट है अगेन वो ये है कि इसमें गियर इंडिकेशन लेफ्ट पे दी गई है और इसकी हैंड ब्रेक भी लेफ्ट पे दी गई है पैसेंजर के पास। कप होल्डर इसमें राइट में आते हैं और इसके जो हैंड ब्रेक है वो लेफ्ट पे है। यूजुअली कार्स में हैंड ब्रेक राइट पे आती होती है और गियर इंडिकेशन भी ड्राइवर के पास दी गई होती है। तो इसमें लग ऐसा रहा है जैसे कि इसके लेफ्ट हैंड ड्राइव वर्जन को राइट हैंड ड्राइव पर फ्लिप तो कर दिया गया, लेकिन इसके जो ये वाले कंट्रोल्स हैं ये चेंज नहीं किए गए। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। वॉल्यूम कंट्रोल भी मोस्टली ड्राइवर के पास होता है, इस पर लेफ्ट पे दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल अगेन बटन ड्राइवर के पास होते हैं, इस पर पैसेंजर के पास दिए गए हैं। गियर इंडिकेशन भी पैसेंजर के पास है और हैंड ब्रेक भी। तो ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। हैंड ब्रेक इसकी लेदर की फिनिश में है जो कि अच्छी लुक दे रही है। और ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल जो कि प्योर वाइट है। प्योर वाइट होने के कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। फ़ायदे ये हैं कि ये देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन नुकसान ये है कि ये काफ़ी जल्दी मैला होता है। बाकी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी नॉर्मल सी है, इसमें कोई USB इनपुट वगैरह नहीं दिए गए। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट भी इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है और ये भी अगेन प्योर वाइट है। तो ये भी काफ़ी जल्दी मैली होती हैं। अगेन इसके आर्मरेस्ट पे भी ये प्योर वाइट लेदर दिया गया है। इसकी लुक्स तो अच्छी हैं, लेकिन मैला होने वाला इशू आता है इसके अंदर। बाकी स्पीकर्स गाड़ी में टोटल 4 आते हैं, चारों ही डोर्स में। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर यार सेट पे दिए गए हैं और इस गाड़ी में कोई भी विंडो ऑटोमेटिक नहीं है, यानी सिंगल टैप वाली। इसमें सारे ही विंडोज़ नॉर्मल हैं। उससे आगे इस गाड़ी के लॉक अनलॉक कंट्रोल्स दिए गए हैं और उससे आगे इस गाड़ी के साइड मिरर कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी में डिडक्टेबल नहीं आते, ना इसमें ना लुमियर में। बाकी यहाँ पे ब्लैक स्विचेस दिए गए हैं और ट्रंक लीज दिया गया है। ट्रंक लीज गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक है और बाकी इसके हेडलाइट्स की हाइट को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। एयरबैग्स इस गाड़ी में टर्बाइन डिज़ाइन के आते हैं और ये इस गाड़ी के हेडलाइट्स के कंट्रोल। हेडलाइट्स इस गाड़ी में बेसिक सी आती हैं, इनमें ऑटो कंफिगरेशन नहीं आता और इसमें फॉग भी डेडिकेटेड बटन है यहाँ पे। फॉग इस गाड़ी में सिर्फ बैक पे आती है, फ्रंट पे नहीं आती। और लेफ्ट पे ये इस गाड़ी का विंडशील्ड वॉशर दिया गया है जो कि अगेन बेसिक सा है। इसमें कोई ऑटो वाला फीचर नहीं आता, यानी रेन सेंसिंग नहीं है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ना ड्राइवर के लिए आता है ना पैसेंजर के लिए। जस्ट सेंटर में एक केबिन लाइट दी गई है जो कि सिंगल ही है और इसमें सनरूफ नहीं आती। इस गाड़ी के लुमियर वर्जन के अंदर सनरूफ भी आती होती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे ठीक है, लेकिन 2 लोगों के लिए। बैक पे मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का कोई इशू नहीं है, मैंने ड्राइवर की सीट को मैक्सिमम पीछे किया हुआ है। और हेडरूम का यहाँ पे ठीक है, पूरा है। मेरे से कोई लंबा बंदा बैठे यहाँ पे तो उसको इशू हो सकता है। बाकी बैक पे यहाँ पे 2 लोगों साइड से बैठ सकते हैं, तीसरा बंदा बैठना चाहे तो बैठ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू क्रोला या सिविक। उन गाड़ियों में 3 लोग फिर भी आ जाते हैं, इसमें यहाँ पे थोड़ा फंस के बैठेंगे। बाकी इसमें फ्लोर बेड फ्लैट आता है, यहाँ पे 3rd पर्सन को पाँव रखने का कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ये गाड़ी चौड़ाई में क्योंकि थोड़ी सी कम है और लंबाई में भी, तो आपको पता लगता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर पे पाँव रखा हुआ है तो ये मतलब बिल्कुल
आगे सेंटर कंसोल और सीट के बीच में फंसा हुआ है, यहाँ पे मैं इजी मतलब पाँव नहीं रख सकता, तो सेंटर में बैठना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी दो लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं आसानी से। उसके अलावा यहाँ पे कोई सेंटर कंसोल नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल से होता तो अच्छी बात थी। टीआरएस और सिटी दोनों में आता है, हेडरेस्ट दिए गए हैं यहाँ पे। कोई स्टोरेज पॉकेट्स यहाँ पे इसमें सीट्स में नहीं आती, डोर्स में इसके स्टोरेज पॉकेट दी गई हैं, डोर्स में दो स्पीकर्स भी आते हैं इसके। ड्राइव विंडोज़ की ऑटोमेटिक हैं, फ्रंट विंडोज़ की तरह आईसोफिक्स सपोर्ट भी आते हैं इस गाड़ी में, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। और इसमें ये आर्मरेस्ट भी आते हैं, जो कि यूजुअली जापानी गाड़ियों में नहीं आते होते। बाकी बैग पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके अलावा इसमें कोई एयरबैग्स नहीं आते, जो कि होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। सीट बेल्ट गाड़ी में ब्लैक कलर की दी गई हैं, जो कि मेजोरिटी कार्स में वाइट कलर में आ रही होती हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी लग रही हैं। सिविक एक्स में ब्लैक आती थी, अब इसमें भी ब्लैक दे दी गई हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो एल्फिन में दो इंजन साइज ऑफर होते हैं, 1.37 लीटर एंड 1.5 लीटर। ये इस गाड़ी का 1500 सीसी वेरिएंट है। इंजन दोनों ही वेरिएंट्स में ब्लू कलर वीवीडी आते हैं, और यह गाड़ी जो कि कंफर्ट और लुमियर 1500 सीसी इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती हैं। सिर्फ ट्रांसमिशन इस गाड़ी में डीसीटी आती है विद ट्रिपटॉनिक, और यह गाड़ी 105 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि मेरे ख्याल से सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। इस गाड़ी के ओवरऑल जो इंजन की लुक है ये अच्छी है, इसका इंजन कैबिन नीट है, ऊपर इसमें इंसुलेशन दी गई है जो कि चंगान की बैजिंग के साथ है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, नाइस टच। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी स्टैंडर्ड आती है कंपनी से, इसमें स्टीयरिंग भी EPS आता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। और उसके अलावा ये गाड़ी आपको तकरीबन विद इन सिटी 13-14 तक की एवरेज दे सकती है आसानी से। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाएं तो ये गाड़ी 16-17 भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। इसका इंजन कैबिन नीट है, इसके में जो शॉक्स के ये नट्स वगैरह हैं ये भी कवर्ड हैं, इसके जो इंजन का हुड है ये भी काफ़ी मैसिव है और अच्छा है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है इसमें वो 185, 55 और 15। इसमें 15 इंच का लॉय व्हील दिया गया है, और इसकी क्योंकि टायर की प्रोफाइल कम है 55, तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। और एल्सन में सिर्फ फ्रंट पे डिस्प्रेक आती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। टायर्स गाड़ी का चाइनीज है, चाओ यंग करके नाम है इसका, और इसकी प्रोफाइल 55 है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे चंगान का लोगो दिया गया है, और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक लीज दिया गया है। ये की जैक नाइफ की है, यानी कि आप इस बटन को दबाएंगे तो इसकी की ऊपर निकलेगी। ये फिजिकल की सी स्टार्ट होती है चंगान में, किसी भी वर्जन में पुश स्टार्ट नहीं आता, सब में ये चेक नाइफ की आती है। ट्रंक अनलॉक करने के लिए इसको दो दफ़ा दबाएंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक अनलॉक हो जाएगी। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 40 लीटर्स का आता है, जो कि आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 550 तक की रेंज प्रोवाइड करेगा आराम से। इनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी आपको इशू नहीं होगा, इनके मोस्टली पार्ट्स चंगान के पास खुद अवेलेबल हैं। ये था आज का रिव्यू चंगान एल्फिन 2022 मॉडल का। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।